दोस्तों आपको तो पता होगा कि एप्पल का खुद का कोई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्टोर इंडिया के अंदर नहीं है, और जो भी प्रोडक्ट एप्पल इंडिया के अंदर बेचता है वो अपने ऑनलाइन पार्टनर्स या फिर फ्रेंचाइज पार्टनर के साथ मिलकर बेचता है। अगर ऑनलाइन पार्टनर्स की बात कर ले तो आपका अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, और अगर फ्रेंचाइज पार्टनर की बात कर ले तो जैसे आप क्रोमा देखते हैं उसके अंदर भी आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये एक तरह से आपका ऑफलाइन पार्टनर हो गया एप्पल के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। अगर ऐसा हो जाए कि एप्पल का स्टोर इंडिया के अंदर खुल जाए, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, तो हो सकता है कि आपको जो भी एप्पल के प्रोडक्ट्स होंगे उसमें आपको एक बेहतर डील और ऑफर देखने को मिलेगा, और साथ ही में जो रिफर्बिश्ड फोन है वो भी आपको बेहतर देखने को मिलेगा, और साथ में जो आपको एक्सचेंज की एक वैल्यू मिलती है फोन की। अगर आपके पास आईफोन 11 है और आप आने वाले समय में आईफोन 12 खरीदना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आईफोन 11 से आईफोन 12 को एक्सचेंज कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे एक बेहतर वैल्यू देखने को मिलेगी, आपको एक बेहतर डिस्काउंट देखने को मिलेगा आईफोन 12 के अंदर। तो आज के वीडियो में इन्हीं सब बातों पे चर्चा होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेकरी, और आपकी इजाजत के साथ आज का ये कथा प्रारंभ करता हूं। अभी भी एप्पल के मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो चाइना के अंदर बनते हैं, लेकिन एप्पल अभी ऐसा एक मार्केट ढूंढ रहा है और ऐसी एक कंट्री ढूंढ रहा है जो कि चाइना को कंपटीशन दे सके। तो इंडिया सबसे बेहतर ऑप्शन एप्पल के लिए हो सकता है, और एप्पल भी इसी पे काम कर रहा है। वो चाह रहा है कि चाइना के बाहर भी उसका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, और आप अभी देख भी रहे हैं कि आईफोन का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और आने वाले समय में आपको और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि अभी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर सकते हैं, अभी मेनली फोन्स का असेंबली इंडिया के अंदर हो रहा है, लेकिन अगर सारा कुछ सही रहा तो आपको आने वाले समय में आईफोन्स का मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है। लास्ट ईयर तक इंडिया के अंदर एफडीआई का रूल ये था कि अगर कोई कंपनी आती है सिंगल ब्रांड वाली तो आपको 30% जो कंपोनेंट है वो आपको लोकली सोर्स करना पड़ेगा, लोकल मार्केट से खरीदना पड़ेगा, और इस वजह से ये सारे जो बड़े ब्रांड है, जो सिंगल ब्रांड है, जो कि बहुत बड़े ब्रांड है, वो इंडिया के अंदर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन लास्ट ईयर ही इन एफडीआई रूल्स में काफी ज्यादा रिलैक्सेशन किया गया और एप्पल ने सोचा कि उन्हें इंडिया में आना चाहिए। हालांकि एप्पल काफी पहले आ जाता, हो सकता था कि इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में ही आ जाता, लेकिन क्योंकि अभी पैंडेमिक का समय है इसलिए एप्पल उस समय लॉन्च नहीं हो पाया। तो यहाँ पे दो बातें हो गई, एक तो एप्पल चाइना से बाहर निकलना चाह भी रहा था, और दूसरा कि गवर्नमेंट ने भी एप्पल को आने का यहाँ पे न्योता दे दिया एक तरह से एफडीआई में रिलैक्सेशन करके। तो ये सारा कुछ होने के बाद अब आपको दिवाली से पहले एप्पल का ऑनलाइन स्टोर देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक एप्पल जो अपने प्रोडक्ट्स है वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम और ना जाने किन किन साइट्स पे बेचा करती थी, लेकिन अब आपको दिवाली से पहले एप्पल के प्रोडक्ट एप्पल के साइट पे देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ अभी तक जो एप्पल के पार्टनर थे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए उन पे भी आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपकी चॉइस होगी कि आप जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं वो एप्पल के स्टोर से खरीदें या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर पेटीएम से खरीदें। लेकिन लास्ट ईयर तक ऐसा पॉसिबल नहीं था कि एप्पल अपने ऑनलाइन स्टोर को इंडिया के अंदर खोल सके, क्योंकि उस समय एक रूल था एफडीआई के अंदर, ब्रिक एंड मॉर्टर रूल, जिसका मतलब होता है कि अगर आप ऑनलाइन स्टोर इंडिया के अंदर खोलना चाहते हैं तो आपको पहले एक ऑफलाइन स्टोर इंडिया के अंदर खोलना पड़ेगा, तभी आप ऑनलाइन स्टोर को इंडिया के अंदर लॉन्च कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफडीआई रूल्स में काफी ज्यादा रिलैक्सेशन दिया गया, इसी वजह से अब ये रूल जो था ब्रिक एंड मोर्टार वाला वो भी खत्म हो चुका है। आप अपने ऑनलाइन स्टोर को पहले खोल सकते हैं, लेकिन एप्पल तो अपने ऑनलाइन स्टोर को दिवाली से पहले लॉन्च कर ही रहा है, लेकिन एप्पल का ये भी कहना है कि आप इंडिया के अंदर ऑफलाइन स्टोर को भी 2021 तक देख सकते हैं, जिसमें कि पहला स्टोर खुलेगा बॉम्बे के अंदर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, और दूसरा जो स्टोर खुलेगा वो बैंगलोर के मिंस्क स्क्वायर में खुलने जा रहा है। अगर एप्पल इंडिया के अंदर आता है खुद का स्टोर लेके तो यहाँ पे उसको कंपटीशन मिलेगा सैमसंग और वन प्लस से। और अगर प्राइस की बात कर ले, आपको कितना प्राइस ड्रॉप देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, तो एप्पल का ये सीन रहता है कि आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं देता है कहीं पे भी। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको एक फेयर बैटल देखने को मिलेगा सैमसंग और वन प्लस के साथ, क्योंकि यही दो कंपनीज अभी इंडियन मार्केट के अंदर है जो कि एप्पल को सही तरीके से कंपटीशन दे सकता है। फॉक्सकॉन जो कि चेन्नई के अंदर बेस्ड है वो करती है एप्पल का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि यहाँ पे होता है एप्पल के फोन्स का असेंबलिंग, और एप्पल ऑलरेडी अपने काफी सारे फोन्स को यहाँ पे असेंबल करवा रही है। लेकिन आने वाले समय में आईफोन 12 जो आ रहा है वो भी आपको इंडिया के अंदर असेंबल हुआ मिल सकता है, और आईफोन 12 होगा असेंबल विस्ट्रॉन के प्लांट में जो कि बेंगलुरु के पास है, और विस्ट्रॉन ने इसके लिए ऑलरेडी 10,000 एम्प्लॉई को, लोकल एम्प्लॉई को हायर कर लिया है। तो आने वाले समय में आपको जो फोन है उसके पीछे लिखा दिख सकता है कि असेंबल्ड इन इंडिया, और साथ ही में देश के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी एप्पल के आ जाने से थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। आशा है कि जल्द ही हमें अपने हाथ में असेंबल्ड इन इंडिया के बदले मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया लिखा हुआ आईफोन देखने को मिल जाए। हालांकि आपकी क्या राय है आप वो मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।